साथ जो हमारे इस गांव में पहुंचे वॉलीबॉल काउंसिल स्पोर्ट्स फेडरेशन का ऑफिसर्स, डीडीसी इनायत साहब, मीडिया फेडरेटी, हमारा पुलिस ऑफिसर, हमारा प्यारे छात्र और जो भी इधर आए हुए सबको सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए, शुक्रिया आपको। वर्क स्पोर्ट्स बहुत अच्छा चीज़ होता है, हर इंसान का लाइफ में एक हिस्सा होना चाहिए। स्पोर्ट्स से गेम से हमको सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं मेंटल स्ट्रेंथ भी मिलते हैं, लाइफ में हर चीज़ में हमको टीम स्पिरिट सारे स्पोर्ट्स से सीखा और आपको भी सिखाया गया। हम जेके पुलिस की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ इस टूर्नामेंट में जो भी पार्टिसिपेट किया, पहले जो भी जीता अंतरंग टीम, मेरी तरफ से उनको मुबारक बधाई। जो भी लॉस हुआ इनको भी मेरा बधाई, क्यों स्पोर्ट्स में गेम्स में पार्टिसिपेट करना बड़ी चीज होती है। जीतना हारना लाइफ में पार्ट है, होते रहते हैं, डोंट टेक इट सीरियसली। पार्टिसिपेट करना सबसे बड़ा चीज़ है, स्पोर्ट्स यही सिखाते हैं हमको। सो मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कुलगाम पुलिस ऑलवेज आपके साथ है, लेट मी नो एनी हेल्प फ्रॉम आउट साइड। दोबारा आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, ग्रेट गोज टू यू, थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू एंड कांग्रेस फॉर दैट। बदरू में इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है और ऑल क्रेडिट गोज टू जो यहाँ के इसके जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है एसोसिएशन ने, और ये सब क्रेडिट आप लोगों को जाता है जिन्होंने इसको इतना वाइब्रेंट बनाया यहाँ पर पार्टिसिपेट करके, क्योंकि आपके बगैर ये नहीं हो सकता है। जब यहाँ पर आप देखने आए तभी इसकी चार चांद लगी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए। और जैसे कि एसएसपी साहब ने बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा जो फोकस है वो इस पर है कि वो हम लोग यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत हो, चाहे वो एंगेजमेंट इन स्पोर्ट्स के तहत हो। हम लोगों ने पिछले दो साल से बहुत सारे इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, गर्ल्स के, बॉयज़ के डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स करवाए, डिफरेंट स्पोर्ट्स में करवाए, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की तरफ से, चाहे रिसेंटली कंक्लूडेड जो कि पुलिस की तरफ से था। हमारा एक ही मकसद है कि हमारे यूथ जो है दे शुड बी फिट फिजिकली एंड मेंटली। जब आप दोनों और अपना टाइम जो आप सर्व करते हो वो सही चीज़ पे करें, क्योंकि आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि कुलगाम इस वक्त जो ड्रग मैनेज से अभी जूझ रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम लोग इस वबा से बचें, और इसी के चलते हम लोगों ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए रखे हैं, यूथ के लिए रखे हैं। हम चाहते हैं कि आप कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी के लिए पार्टिसिपेट करें, ताकि डिस्ट्रिक्ट का, हमारे यूटी का और हमारे देश का जो डेवलपमेंट है वो फास्ट ट्रैक पे हो जाए। मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सभी यूथ का जो यहाँ पर है कि जब भी ऐसे टूर्नामेंट्स होते हो आप हमारे डीएसपी साहब, हमारे एसएचओ साहब, हमारे एसडीपीओ साहब, ये दूसरी मरतबा यहाँ पे मुनक्किद हुई है। इससे पहले जो पिछले साल हुई थी वो शोपियान में हुई थी। तो असल मकसद जो हमारा इस चैम्पियनशिप का करवाने का वो यही है कि हम अपने यूथ को, जो हमारी नस्ल, नई नस्ल है, इसको हम ड्रग्स से किस तरह से बचाएं। तो हमारी एक कोशिश है वॉलीबॉल एसोसिएशन की कि हम जितने भी हमारा यूथ है उसको हम वॉलीबॉल और स्पोर्ट्स की तरफ जो है रागिब करें, ताकि हमारे बच्चे अगर फिजिकली फिट होने के लिए उनको ग्राउंड में आना पड़ता है, तो जो बच्चा ग्राउंड में आएगा मैं दावे से, मैं सुख से कहूंगा कि वो ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा। और दूसरी बात, मैं बिलखसूस पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को जो है वो ग्राउंड की तरफ रागिब करें। अगर अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं इस वक्त, अगर आपने अपनी सोसाइटी में, अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो कितने नौजवान बच्चे ने, बिल्कुल 15-16 साल से बच्चे जो है
अगर आप अपने नजर करेंगे तो वो ड्रग्स की वजह से अपनी जान जो है वो जाया कर चुके हैं। तो उन बच्चों को बचाने का एक ही तरीका है कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागब करें। और दूसरा, अभी जो चैंपियनशिप यहाँ पे खत्म हुई है, इसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों की पार्टिसिपेशन थी। गर्ल्स सेक्शन में जो है मारूफा अकेडमी है कुलगाम की, वो जीती हिफाते रही है चैंपियनशिप की, और उसके साथ ब्लू क्लब था अनंतनाग का जो कि रनर अप रहा। तो इसी तरह बॉयज सेक्शन में स्पार्टन क्लब जो है अनंतनाग का वो चैंपियन बना।